नोएडा के थाना फेस टू थाना क्षेत्र के सेक्टर 88 में खड़ी एक निजी बस में अचानक आग लग गई। आग लगी देख स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड स्टेशन को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि आग लगने के दौरान बस में कोई मौजूद नहीं था। आग लगने की घटना तकरीबन 12:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि निजी बस नोएडा थाना फेस टू क्षेत्र के सेक्टर 88 स्थित मदरसन कंपनी के बाहर खड़ी थी, तभी अचानक इस खड़ी बस में आग लग गई। बस से धुआं उठता देख लोगों को आग लगने की जानकारी हुई। उन्होंने फौरन इसकी सूचना फायर ब्रिगेड स्टेशन को दी। वहां से दमकल की गाड़ियों के साथ आए फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने बताया कि आज थाना फेस टू क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 88 स्थित मदरसन कंपनी के सामने एक बस खड़ी थी जिसमें अचानक आग लग गई। आखिर आग किन वजहों से लगी है इसकी जांच की जा रही है। आग लगने से कोई जन हानि नहीं हुई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी द्वारा आग बुझा दी गई है। 12:32 पे कार सर्विस यूनिट सूचना मिली कि सेक्टर 87 में खड़ी बस में आग लगी। तत्काल प्रभाव से हमारी गाड़ी रवाना हुई है। आग पे काबू पाया गया है। ये सीएनजी की बस थी परंतु चूंकि ये खड़ी थी इसलिए इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।